सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग आर्ट। तो गाइस आज के इस नए वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेसलमेनिया 37 के चैंपियनशिप चेंज होने के बारे में। और प्लीज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी टाइटल्स हो जाती है रेसलमेनिया के अंदर चेंज, हमें देखने मिलते हैं सारे नए चैंपियंस, तो गाइस क्या होगा, क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ये करवा सकती है या फिर नहीं करवा सकती। तो गाइस आज हम इसी रीजन के बारे में जानेंगे, एक अलग और नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, फ्रेश नया टॉपिक है। आपको ऐसा लग रहा है मुझे कमेंट पर जरूर बताना, और गाइस कमेंट करके आप मुझे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो इस मैसिव चैनल के ऊपर। क्यों वीडियो आने वाली 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद चैनल पर काफ़ी बढ़िया क्यों वीडियो आने वाली, साथ साथ व्लॉग्स भी आने वाले। तो डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक है, उसको सब्सक्राइब करो। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो चलो आज के इस नए और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते। तो दरअसल महीने का पीपीवी होने वाला है 10 और 11 अप्रैल को, ये इंडिया में हमें देखने को मिलने वाला है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी मैचेस एडवर्टाइज किए, तो गाइस यहाँ पर से मैं जो सारे मैचेस तो नहीं लूँगा, जो जो चैंपियनशिप के मैचेस है वो लूँगा। और गाइस यहाँ पर मैं जो रॉ टैग टीम टाइटल्स और जो वुमेंस टैग टीम टाइटल्स है उनके मैच को यहाँ पर जो है नहीं लेने वाला, सिर्फ मैं जो हूँ बाकी के टाइटल मैच को ही लेने वाले। और गाइस आपको क्या लगता है कि कौन कौन से टाइटल चेंज हो सकते या फिर नहीं हो सकते, आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और गाइस ये ऐसी हमारी नई वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और गाइस आप कितने एक्साइटेड हो इस बार के रेसलमेनिया 37 के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। और गाइस चलो काफ़ी देर नहीं करते गाइस, और गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। चलते हम सबसे पहली चैंपियनशिप आती गाइस, यहाँ पर से सबसे पहले हमें तो जो यहाँ पर टाइटल चेंज देखने को मिलेगा वो देखने को मिला गया इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, अपोलो क्रूज विनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके साथ काफ़ी गई क्योंकि ये है नाइजीरियन ड्रम फाइट मैच, और गई अपोलो क्रूज का फिलहाल गेम नाइजीरियन वाला है, और गई अपोलो क्रूज यहाँ पर से हार नहीं सकते। और गई अपोलो क्रूज मे बी हमें जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये भी होता है तो भाई इतना भी कुछ इसके अंदर होने की जरूरत नहीं, होता है टाइटल चेंज तो बढ़िया है, नहीं तो बेगी चैंपियन। नेक्स्ट टाइटल चेंज पर बात करते हुए, नेक्स्ट टाइटल चेंज हमको देखने को मिलेगा शो के ऊपर यहाँ पर दिखाई देने वाला है, वो है गेज यहाँ पर रॉ वुमेन्स टाइटल का। और गेज रिया रिप्ली यहाँ पर बनेगी नई रॉ वुमेन्स चैंपियन, और गेज वो हराएगी आस्का को। इसके चांसेस काफ़ी बढ़िया है, ये होता है तो बिजनेस के लिए भी काफ़ी बढ़िया होगा। रिया रिप्ली एनएक्स से होकर आई है यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के अंदर, और गेज टाइटल चेंज एक्सपेक्टेड, और जिससे डब्ल्यूडब्ल्यू को भी काफ़ी बड़ा फायदा पहुँच सकता है। और गेज यहाँ पर से वो जो है हमें नई रॉ वुमेन्स चैंपियन होती हुई दिखाई दे सकती है। बात करूँ गई सब मैं नेक्स्ट मैच की, तो नेक्स्ट चैंपियनशिप हमें जो है यहाँ पर बदलती हुई दिखाई देगी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप, और गाइस यहाँ पर से बियांका बेलेयर बनेगी नई स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन, और गाइस वो हराएगी यहाँ पर साशा बैंक्स, और गाइस बनेगी नई वुमेन्स स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन। और गाइस वो जीती 2021 का रॉयल रंबल, पहले तो उनके ऑर्ड्स काफ़ी कम थे पर गाइस अब वो काफ़ी अच्छी फेवर कर रही है कि मैच के अंदर जी सकते हैं। और गाइस टाइटल चेंज होते हैं तो वो भी काफ़ी बढ़िया टाइटल चेंज हो सकते हैं, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू को भी ये टाइटल चेंज करवाना चाहिए। नेक्स्ट टाइटल्स चेंज के बारे में बढ़ते हुए, नेक्स्ट टाइटल चेंज होने वाला है यहाँ पर से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, या गाइस यहाँ पर से शीमस बनने वाले नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, और गाइस वो हराएंगे रिडल को और बनेंगे न्यू यूएस चैंपियन। और गाइस इसके चांसेस भी काफ़ी बढ़िया है वैसे, और गाइस शीमस भी हमें नए चैंपियन देखने को मिलेंगे, उनको पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई देगी, वैसे रिडल को भी पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई दे रही, पर गाइस यहाँ पर से जो शीमस उनको पुश देती है तो काफ़ी बढ़िया है। पर गाइस देखना पड़ेगा क्या होता है, शीमस जीत पाते या फिर नहीं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो गाइस काफ़ी बड़ी एक चैंपियनशिप चेंज होने वाली है, और गाइस ये होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और गाइस नए चैंपियन होंगे ड्रू मैकइंटायर, और गाइस स्कॉटिश वॉरियर हमें देखने को मिलेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और गाइस इसके चांसेस काफ़ी 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 ज़्यादा है क्योंकि गाइस यहाँ पर से वो जो है जीत सकते हैं, और गाइस 3 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकती है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। फैंस पहली बार रिटर्न आ रहे हैं, ड्रू मैकइंटायर को भी अपना मोमेंट देना है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस के सामने, तो इस वेंस मैन इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं रेसलमेनिया 37 की शुरुआती में। वैस नेक्स्ट जो टाइटल चेंज आता है वो है सेकंड लास्ट टाइटल, और गाइस वो है यूनिवर्सल टाइटल चेंज, और गाइस डैनियल ब्राइन जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गाइस डैनियल ब्राइन अगर जीतते हैं तो काफ़ी मजा आ सकती है, क्योंकि डैनियल ब्राइन ने रेसलमेनिया 30 को रेसलमेनिया भी चेंज किया, और गाइस वो इस बार भी ये कमाल हमको जो है करके दिखा सकते हैं। और गाइस आपको क्या लगता है, डैनियल ब्राइन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतनी चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। डैनियल ब्राइन का काफ़ी जो अच्छा मोमेंटम चल रहा है, और गाइस फाइनल टाइटल चेंज हो गई, यहाँ पर से रेटेड आर सुपरस्टार रॉयल रंबल विनर एज विन यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और गाइस वो जीतेंगे, और गाइस यहाँ पर से वो बनेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप, क्योंकि इससे चांसेस भी काफ़ी काफ़ी बढ़िया है। एज फिलहाल बैटिंग ऑर्ड्स के अंदर भी काफ़ी फर्क कर रहे हैं कि वो चैंपियनशिप जीतेंगे, और गाइस यहाँ पर से वो होता है तो काफ़ी बढ़िया होगा, बिजनेस के लिए भी काफ़ी बढ़िया होगा। और गाइस यहाँ पर से एज भी जो है
WWE को काफ़ी बढ़िया जो है मोमेंट दे सकते हैं और एच भी जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो गाइस आपको क्या लगता है इनमें से कौन से जो है यहाँ पर सच हो सकते हैं गाइस चैंपियन, कौन हमको जो है गाइस नए चैंपियन देखने को मिलते हैं, और गाइस आप जो है कौन से सुपरस्टार को देखना चाहेंगे नए WWE नए यूनिवर्सल और साथ ही साथ बाकी के भी चैंपियंस होते हुए देखने को, आपको क्या लगता है गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करो और गाइस डिस्क्रिप्शन पे लिंक है चैनल का, उसको भी सब्सक्राइब करो, इसको भी सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, और गाइस आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। बस आज की वीडियो आज कल बस इतना ही, धन्यवाद।